नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि इंडिया में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं हूं अपने गाँव घेटी में, जो कि उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में स्थित है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध अनाजों के बारे में, कुछ प्रसिद्ध दालों के बारे में बताऊंगा, कुछ प्रसिद्ध दालों के बारे में, उनके फ़ायदों के बारे में। मैंने पिछली सीरीज में आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी दालें हमारे उत्तराखंड में उगाई जाती हैं और उनके फ़ायदे क्या क्या हैं, कैसे वो बनाई जाती है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मैं देने की कोशिश करूँगा, और इन स्क्रीन पर भी आपको उस प्लेलिस्ट का वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप उनके बारे में जान सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को उत्तराखंड के हमारे गांव में होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको उत्तराखंड के खान पान और साथ में उत्तराखंड के प्रसिद्ध अनाजों के बारे में जानने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग देवभूमि उत्तराखंड में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध दालों के बारे में और यहाँ उगाए जाने वाले प्रसिद्ध अनाजों के बारे में जान सकें। दोस्तों, आप जिस तरह से वीडियो में देख पा रहे हैं, ये गाँव का रास्ता है, जहाँ से नॉर्मली लोग जो सामान है, धान का कट्टा है या फिर जो पराली की गठरी है, उसी को लाते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह से रास्ता है इतना छोटा और चारों तरफ से घास उगी हुई है। अब हम चल रहे हैं, जो खेत है, जो सबके खेत यहाँ पे स्थित है, पूरे गांव वालों के खेत हैं, इसे कुमाऊनी भाषा में उत्तराखंड में श्यारी कहा जाता है। श्यारी अर्थात जहाँ सभी गांव वालों के खेत रहते हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं और साथ में यहाँ पर पानी की व्यवस्था रहती है, नहर की व्यवस्था रहती है, उसे श्यारी कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड में खासकर कुमाऊनी भाषा में श्यारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह धान की जो बालियां हैं उनको निकाल के पाँव से मली जाती है हमारे उधर, और उसके बाद पराली को इस तरह से बिछा दिया जाता है सुखाने के लिए। फिर इस तरह से जो सामने आप देख पा रहे हैं, गट्ठर लगा दिया जाता है, जिसे लूट कहा जाता है। कैसे लगता है और किस तरह से पराली इकट्ठा की जाती है, उसके बारे में पूरी वीडियो हमने बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पर देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और पराली जो जलाने की समस्या है, जिससे हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित होता है, उससे बचने के लिए, उसके समाधान के लिए बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता है कि किस तरह से हमारे उत्तराखंड में पराली को इकट्ठा किया जाता है और साथ में बाद में उसे पशुओं को खिलाया जाता है। जब बरसात का सीज़न होता है, आप इसे किसी भी मौसम में खिला सकते हैं बस सुखा के, तो ये एक अच्छा उदाहरण है। यह भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, जो किसान पराली जलाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, वो इससे संदेश ले सकते हैं कि किस तरह पराली इकट्ठा करके उसे पशुओं को खिलाया जाता है। और साथ में दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं, साथ ही मैंने आपको बताया था जैसे कि हम कुछ प्रसिद्ध अनाजों के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में, कौन कौन से अनाज हमारे उत्तराखंड में उगाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर मोटे अनाज उगाए जाते हैं, यहाँ चावल भी जो उगता है हमारे उधर वह मोटे ही होता है। जिस तरह से पतला चावल उगाया जाता है बाहरी क्षेत्र में, उस तरह का चावल हमारे उधर नहीं उगाया जाता, लेकिन जो उगता है वह बहुत अच्छा और खाने में स्वादिष्ट है। कभी भी आप परचेज करना चाहेंगे, इसके लिए भी मैंने आपको दालें उपलब्ध कराने के लिए एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं। आगे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध अनाजों की अगर हम बात करें, तो यहाँ मुख्यतः मोटे अनाज, जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा उगाया जाता है, जिनमें ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, इस तरह के अनाज आते हैं। साथ ही हमारे उत्तराखंड में गेहूं और चावल भी उगाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। दालों की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध दाल भटकी दाल, घट, मांस, उड़द जिसे कहा जाता है, मांस को ही उड़द कहा जाता है, राजमा, लोभिया और अन्य कई और दालें हमारे उत्तराखंड में उगाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से यह फसलें उगाई जाती हैं। हमारे उधर धान की फसलें और साथ में भट जो होता है, काला भट, वह ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, और गोंद की फसल भी यहाँ बहुत कम मात्रा में होती है।
दोस्तों आपके गांव या आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में अपने गांव या क्षेत्र का नाम जरूर लिखें ताकि हम एक आकलन कर सकें कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जो दालें हैं वह पर्याप्त मात्रा में होती हैं, ताकि हम आगे जाके इन्हें और लोगों तक पहुँचा सकें जो बाहर से हमारी उत्तराखंड की दालें खरीदना चाहते हैं, उनका टेस्ट लेना चाहते हैं, उन तक हम पहुँचा सकें। इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये थी उत्तराखंड में उगाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध अनाज और कुछ प्रसिद्ध दालों के बारे में जानकारी। अगर आप आगे हम इन वीडियो के बारे में, इन दालों के बारे में, इनको कैसे बनाया जाता है, इनकी क्या क्या रेसिपी है, उसके बारे में भी आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो कि होगा उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय देवभूमि, जय इंडिया, जय।